मैं नीचे जा रही हूँ कान्हा जी के मंदिर में, ये सारी फुटेज मैं वहीं पर देखूंगी। अब हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ मुझे। हे कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए। रिया, ये लैपटॉप लेकर यहाँ क्यों आई हो? वो माजी बस 2 मिनट का काम है, मेल भेजनी है। आप लोग कथा शुरू कीजिए, मैं सुन रही हूँ। लेकिन मंदिर में आज हम सब सावित्री और सत्यवान की कथा सुनेंगे। सावित्री वो जो हर सुहागन के लिए आदर्श हैं। अगर खुद अपनी आंखों से ना देखती तो शायद कभी विश्वास ना होता। ये मेरा वहम नहीं, सच है। डॉक्टर नहीं, काली आत्मा हो तुम। उठ, 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 बचाओ कोई। ये वही है जिसने मुझे मारा था। ये इंसान नहीं, चुड़ैल है। जो तुम समझ नहीं रहे हो वो मैं दे सकती हूँ। इलाज की जरूरत है, देर हो गई तो बहुत पछताओगे। ये मैं अभी के साथ, और सुबह मुझे कुछ भी याद नहीं था। माँ जी, आप गिर गई थी, कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, दर्द तो नहीं हो रहा कहीं पर? ये तुम कैसे सवाल कर रही हो रिया? सब कुछ तो तुम्हारे सामने हुआ, तुम भी तो वहां थी। तुम और अभी मुझे अस्पताल ले गए थे ना। तुझे अपनी जिद याद है कि नहीं? तुझे 5 मिनट आरती करने के लिए कहा था और तुमने मना कर दिया, सीधे अपने कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लिया। रात कब्रिस्तान में ऐसे घूमना मेरे बस की बात तो है नहीं। Hats off to you. तुमने ड्रिंक भी की थी और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ मेरे सारे घर तक पहुंचे। अभी तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। अब ये मत बोल देना कि तुम मून क्लब भी नहीं गई। हाँ, अभी मैं कभी नहीं गई। ये स्टैम्प जो क्लब में एंट्री करते वक्त लगाया जाता है। कमाल की बात है, कल रात को जिस सिंदूर से तुम डर रही थी और तुम्हें एलर्जी हो रही थी, आज वही लगाने से तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। कथा से ये साबित होता है कि यदि एक पतिव्रता स्त्री सिर्फ ठान ले तो उसके पति को दुनिया की छोटी मोटी बलाएं तो क्या, यमराज भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। एक सुहागन की शक्ति के आगे स्वयं ईश्वर को भी नतमस्तक होना पड़ता है। ये जो कोई जो कुछ भी है,
मेरे सुहाग को मेरे अभी को मुझसे छीनना चाहती है। ये मेरा भ्रम नहीं, सच में मेरे अंदर रात को कोई आत्मा आती है। मैं नहीं कोई और बन जाती हूँ, इसलिए सुबह अपना बर्ताव अपनी बातें मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर क्या चाहती है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं मिसेज रिया अभिमन्यु महेश्वरी ये प्रण लेती हूँ कि इसे इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। अभी मेरा सच्चा प्यार मेरा पति है, और अब वही प्यार मुझे उस ताकत से लड़ने की शक्ति देगा। मैं सावित्री की तरह अपने सुहाग की रक्षा खुद करूंगी। बहुत हो गया छुपन छुपाई का खेल, अब तो तुम्हें सामने आना ही होगा। एक पतिव्रता स्त्री का सिंदूर और मंगलसूत्र उसके पति और उसके लिए रक्षा कवच तो होता ही, साथ ही शस्त्र भी होता है। कंप्यूटर रखने गई होगी। ऐसा शस्त्र जो समय आने पर उसके पति की ओर आने वाली सृष्टि की किसी भी ताकत से लड़ सकता है, उसे हरा सकता है। एक साथ सब मिलकर बोलो सावित्री की जय। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल, अब मुझे आउट हाउस जाना पड़ेगा और उस आत्मा का सामना करना पड़ेगा। यहाँ घर वालों के सामने करूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आरती के लिए खड़े हो जाइए। अभी मेरा पति है, तो तुम उस पे हक कैसे जता सकती हो?
बोलो, जवाब दो मुझे। पीछे पड़ी हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा घर और तुम्हारा पति। नहीं, हरगिज़ नहीं। अभी सिर्फ मेरा है। इस घर और मेरे अभी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो ठीक है, रह सकती हो अपने घर में। मेरी रक्षा करो। कारा जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज।
ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? यहाँ आकर कथा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तो हमारा सौभाग्य था। जब कभी जी चाहे निसंकोच हमें बुला लीजिएगा। जी अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अच्छा जी, हरे कृष्णा राधे कृष्णा। किरण बिटिया, जरा कम्मो के साथ जाकर मंदिर ठीक करवा दो। भाभी वो सब मैं करा लूंगी और कम्मो के हाथों आस पड़ोस में प्रसाद भी बंटवा दूंगी। ठीक है रेवा, चलो। रिया तो लैपटॉप लेकर अपने कमरे में गई थी ना, आरती के लिए भी नहीं आई, क्या हो गया है उसे? अरे हाँ, उसे गए तो बहुत समय हो गया, कहाँ रह गई जी? नहीं भिंडनी दादी साहब, वो रिया की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है ना, तो हो सकता है कि अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई हो। तो उसके कमरे में प्रसाद ले जा, दे देना उसे। जी। जिस तरह रिया पाठ के बीच लैपटॉप लेकर आई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मासा। एक पल के लिए गुस्सा भी आया था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। साध्वी जी अगर रोक देती या टोक देती तो हमारी इज्जत क्या रह जाती? वो तो यही सोचती ना कि हमारे घर की बहुओं को पूजा पाठ में कोई श्रद्धा है ही नहीं। छोड़ ना रुकमणी, अरे उसे कोई काम होवेगो इसीलिए ना आई, वरना तू तो अच्छे से जाने है कि रिया बिंदड़ी कितनी समझदार है। इसीलिए पाठ के बीच में से उठकर चली गई बिना किसी से कुछ कहे। शुरू में जितनी समझदारी का परिचय देती थी रिया, उतनी लापरवाही और ना समझी के काम करने लगी है वो। रिया, रिया तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ। रिया, रिया कहाँ चली गई? एक काम करती हूँ, उसके मोबाइल पे फोन करती हूँ। रिया का मोबाइल तो यहीं पर है, तो फिर रिया कहाँ जा सकती? लेकिन लैपटॉप लेकर तो रिया हमारे सामने अपने कमरे में चली गई थी। पूजा खत्म होने से तो हम लोग यही हॉल में बैठे हैं, हमारे सामने तो कहीं बाहर नहीं गई। चलो देखते हैं। जी चलो। रिया, रिया। शीतल बहू जी, तुम एक काम करो, घर के हर एक कमरे में जाकर देखो। मासा और मैं आउट हाउस में जाकर देखते हैं। ठीक है। जा। रिया बिंदड़ी को लेके मारा मन बहुत घबरावे है, सब कुशल मंगल से हो से। आप चलिए मासा। रिया, 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 रिया कहाँ चली गई? मासा अंदर देखते हैं। हाँ हाँ। रिया, 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 जहाँ तो कोई भी ना है रुकमणी। मासा आप जरा वहां देखिए, मैं यहाँ देखती हूँ। हाँ। मासा वहां भी नहीं है। हाँ कहीं भी नहीं है। रिया, माँ जी घर के सारे कमरे देख लिए, रिया का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। कमाल है, घर के बाहर गई नहीं और घर के अंदर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब इसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और इतनी टेंशन में क्यों है? दीपर जी, रिया कहीं नहीं मिल रही है, हमने पूरा घर देख लिया है। क्या, रिया घर में नहीं है? आप लोगों के रहते हुए रिया घर से बाहर कैसे जा सकती है? हाँ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ चली गई। आरती शुरू होने से पहले लैपटॉप लेकर अपने कमरे की ओर गई थी और उसके बाद किसी ने उसे देखा तक नहीं, वो घर के बाहर भी नहीं गई है। रिया बाहर नहीं गई और घर में भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैं ढूंढता हूँ। रुको छोरा, सब जगह तो देख लिया हम लोगों ने, कहीं ना मिले रिया बिंदड़ी। कैसे कहूं कि रिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे बहुत केयर की जरूरत है। मुझे तो डर लग रहा है कि वो नहीं, रिया के साथ कुछ नहीं हो सकता,
मैं रिया के साथ कुछ होने नहीं दूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.